और दोनों ही टीम में अभी तक बराबरी पर चल रहा है, 10-10 पॉइंट अर्जित करके। हाफ टाइम के लिए 1.5 मिनट शेष रहा और पुंगी बचता हुआ वहां पे डूडाई का पुंगी और टेकल टेकल होता हुआ वहां पे 1 पॉइंट कोर को सा। दोनों ही टीम बराबरी बराबरी चल रहा है, अभी 1 पॉइंट से आगे हैं कोरकोसा। कोरकोसा 11 पर, पलीबाटा 10 पर। जबरदस्त मैच यहाँ पे सूझबूझ के साथ खेल रहे हैं और जोरदार टेकर यहाँ पलीबाटा टेकर के लिए जाना जाता है और सुपर टेकर पर 2 पॉइंट और जीत यहाँ पे सुपर टेकर। अब पलीबाटा 1 पॉइंट से आगे हैं, कोरकोसा 11 पलीबाटा 12। जबरदस्त मैच देखने को मिल रहा है यहाँ पे, एक के बाद एक। और फिर से कोलकाता ने टेकल किया लेकिन अर्जित किया, फिर से बराबर दोनों टीम बराबर 12-12। मनोज फिर से आए हैं जो विकेट रेट का रेड करते हैं, कोलकाता के कप्तान हैं और अच्छी रेडर हैं जो कि बहुत पॉइंट अर्जित करते हैं अपने टीम के लिए। बहुत दूर से खेलने आए हैं इस टूर्नामेंट में। लास्ट रेड हाफ टाइम के लिए लास्ट रेड है, देखते हैं टीम के लिए क्या कर पाते हैं पलीबाटा के खिलाड़ी कोलकाता के कोर्ट पर। बिना पॉइंट लिए वापस इसी के साथ खिलाड़ी हाफ टाइम हुआ, खिलाड़ी ग्राउंड चेंज करेंगे और हमारे कार्यकर्ता तुंगापाल युवा दल चॉकलेट वितरण करेंगे खिलाड़ियों को और पानी का व्यवस्था करेंगे, पानी पिलाएंगे खिलाड़ियों को। कार्यकर्ता तुरंत पहुंच जाए खिलाड़ियों के पास पानी लेके और चॉकलेट लेके। कोई टीम सूझबूझ के साथ खेल रहे हैं मैच को, इस टूर्नामेंट के दूसरा लीग खेला जा रहा है पलीबाटा वर्सेस कोलकाता के मध्य। दोनों ही टीमों ने सूझबूझ के साथ खेल रहे हैं और बराबर के स्थिति में ढटे हैं। गांव से अलग अलग गांव से आने वाले हैं। मैं बता दूं कल का मैच होने वाला है जुनावनी वर्सेस गंगा देवी क्लब स्टार 7 स्टार, केसरपाल वर्सेस मियानार, बंगला डोंगरी वर्सेस कोरगांव, उसके बाद वरनपाल वर्सेस जमावाड़ा, योद्धा टीम वर्सेस भागनपाल कल का मैच होगा। कल भी ऐसी दर्शक भरे रहे, अच्छे अच्छे मैच देखने को मिलेगा कल, बहुत ही रोमांचक मैच होगा कल। वन टच पॉइंट ले जाते हुए कोरकोसा, इसी के साथ कोरकोसा 13 और पलीबाटा 12 पॉइंट, एक एक पॉइंट से बराबरी पर चल जाए। दोनों ही टीम दोनों ही अच्छी टीम जाने जाते हैं बस्तर जिला में, अच्छे अच्छे अलग अलग गांव में अच्छा अच्छा प्रदर्शन दिखाए हैं दोनों ही टीमों ने। इसी के साथ टाइम आउट डालते हुए यहाँ पे कोरकोसा के ग्राउंड पर जाली मत और फिर से पॉइंट अर्जित करते हुए बहुत ही सूझबूझ के साथ। तेरह 14 पर है अभी भी पॉइंट, 13-14 कोरकोसा 14 और पलीबाटा 13। बहुत ही सूझबूझ के साथ यहाँ पे खेलते हुए और आसानी से 1 पॉइंट देते हुए आसानी से 1 पॉइंट दे दिया यहाँ पे पलीबाटा। फिर से S1 रेट डालते हुए अब देखते हैं और यहाँ पे टेस्ट करके बाहर कर दिए गए उनके S1 को और 1 पॉइंट अर्जित किया यहाँ पे कोलकाता के टीम ने। यहाँ पे ग्राम पंचायत तुंगापाल में आके अच्छी कबड्डी का प्रदर्शन करते हुए दोनों टीमों ने कोलकाता और पलीबाटा सुपर टेकल और जबरदस्त क्या कर पाते हैं और यहाँ पे कोई खिलाड़ी रहे सुपर टेकल कर दिया मनोज को, बहुत ही अच्छी रीडर रेडर है मनोज, कप्तान कोलकाता को सुपर टेकल करके 2 रन का अर्जित किए हैं। टेकल के लिए जाने जाते हैं पलीबाटा के खिलाड़ी और सुपर टेकल से अभी तक बहुत ही अंक अर्जित कर चुके हैं।
रेडर आउट फिर से पलीबाटा से फिर से सुपरडे को लॉन्च देखते हैं मनीष क्या कर पाते हैं और पलीबाटा के सुपरडे को लॉन्च है और क्या कर पाते हैं अपने टीम के लिए स्ट्रगल करेंगे तो दो अंक मिलेगा और इस बार टैकल नहीं कर पाए और मनीष एक अंक चुरा लिया और एक ही खिलाड़ी बचे हैं अभी और रेड डाले हैं देखते हैं कोरकोसा के कोच में चलाते हुए कलीवाटा के खिलाड़ी क्या कर पाते हैं अपने टीम के लिए और यहाँ पे टैकल होते हुआ कलीबाटा के खिलाड़ी और तीन पॉइंट झूरता हुआ कोरकोसा के खाते पर और टाइम आउट लेता हुआ कलीबाटा अठारह कोरकोसा दोनों ही टीम बराबरी चल रहा था राउंड का होने के बाद दो पॉइंट आगे मिला और तीन पॉइंट आगे कोरकोसा और मनोज रेड डालते हुए देखते हैं अच्छा रेट डालते हैं और बोनस पॉइंट भी अर्जित करते हैं और 10 पॉइंट